हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी DIY रेमेडी जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइटन ब्राइटन बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और स्पॉटलेस बना सकते हैं। अगर आपके स्किन में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, एक्ने पिंपल्स है, झाइयाँ हो गई है, पिगमेंटेशन है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी और आपको वाइटन ब्राइटन और ग्लास स्किन मिलेगी। ग्लास स्किन पाना बहुत ही ईजी है। अगर आप ये रेमेडी यूज़ करोगे डेली तो आपको बहुत ही ग्लोइंग शाइनी और ग्लास स्किन मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की हमें इस रेमेडी को किस तरीके से बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एलोवेरा जेल। आप मार्केट का कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मार्केट का नहीं है तो आप कोई भी फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, स्किन को स्पॉटलेस बनाता है, स्किन को शाइनी बनाता है। उसके बाद हमें चाहिए विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल इजीली किसी भी केमिस्ट शॉप पर मिल जाएगी और ये बहुत ही अच्छी है स्किन के लिए, आपके स्किन से दाग धब्बे झाइयों को दूर करेगी। उसके बाद आखिरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। हल्दी में एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे स्किन स्पॉटलेस होती है। अब इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक क्लीन बोल लेना है जिसमें आपको 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना है। एलोवेरा जेल स्किन से दाग धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन को दूर करेगा और आपकी स्किन को स्पॉटलेस बनाएगा, शाइनी बनाएगा। एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल नहीं है तो आप इसमें 1/2 चम्मच विटामिन ई ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। एक मैंने इसमें विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर दिया है। उसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर। हल्दी में एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे अगर आपके स्किन में दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं, कील मुहासे हैं, तो वो भी दूर हो जाते हैं और आपको स्पॉटलेस वाइट एंड ब्राइटन स्किन मिलती है। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही क्रीमी सी क्रीम तैयार हो जाएगी जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सकेगी और आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी बना देगी। तो गाइस, अब मेरी DIY रेमेडी एकदम रेडी हो चुकी है। अब आपको एक क्लीन कंटेनर लेना है जिसमें आप इसे इस रेमेडी को 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और आपकी स्किन पर जो काम करेगी वो आप देखने लायक होगा। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी हो जाएगी। इसके पहले यूज़ से आपको आपकी स्किन में फ़र्क देखने को मिलेगा कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी हो गई है। तो अब बात करते हैं कि इसे यूज़ किस तरीके से करना है। यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यूज़ करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद फिंगर टिप की हेल्प से आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है और उसके बाद स्मूथली मसाज करनी है। मसाज करने से क्या होगा कि स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, साथ ही साथ स्किन पर जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी और आपको वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। बहुत लोगों के क्या होता है कि पिंपल्स हो जाते हैं, उसके बाद स्किन पर दाग धब्बे रह जाते हैं। बहुत लोगों को कील मुहासों की प्रॉब्लम होती है, पिगमेंटेशन यानी झाइयों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपके फेस पर भी हो गई हैं तो ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके आपकी स्किन को स्पॉटलेस बनाएगी। क्योंकि मैंने इसमें हल्दी यूज़ किया तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से अपने फेस की मसाज करें और उसके बाद इस पैक को अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी नज़र आ रही है इसके पहले यूज़ से। अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे तो स्किन की सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी। तो ये थी मेरी DIY रेमेडी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आप इसे वीक में डेली यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आप इसे 2 से 2 दिन यूज़ करें या 3 दिन यूज़ करें, आप इसे डेली यूज़ करें। आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और आपको वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।